तो हाय गाइस, तन्मय द सेट फ्रॉम वेजीपाजी है और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज जैसे मैंने आपको लास्ट की कुछ वीडियोस में बताया था, आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। इधर आ जाओ जी, आ जाओ पहले, आपकी खबर लेते हैं जी, आपकी खबर लेते हैं। क्या खबर चल रही है आजकल लुधियाना में? आजकल खबर ये चल रही है कि खाना पीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, खाना पीना बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई, और थोड़ा मोटापे पे अभी कंट्रोल हो रहा है जी दोनों का। नहीं भाई, पेट तो पूरे भर रहे हैं, पूरे फुल ऑन बाहर आ रहे हैं। जो लोग इनको नहीं पहचाने हैं तो उनके लिए ये है हैरी उप्पल। जो लोग पहचान गए हैं वो तो अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैं लुधियाना आ रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया जगह बताओ, तो लोगों ने इतना बोला कि भाई हैरी उप्पल से जाके मिलो मिलो मिलो। थैंक यू सो मच, आपने मिलवा दिया यार, आपने बोला आपने मिलवा दिया, तो फिर आना तो बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग हैरी उप्पल के पास आ गए हैं। ये जी, आप ये पहले बताओ, आप कहानियाँ बनाते हो या आप खाना खिलाते हो या खाना दिखाते हो? सर मैं कुछ नहीं करता, बस मैं कैमरा उठा के निकलता हूँ बस, और निकलता हूँ और जो आता है वो बस डाल देता। तो हैरी उप्पल अगर आपको नहीं पता तो लुधियाना की एकदम मशहूर मशहूर, तो ठीक है वो तो सभी करते हैं, पर जो एकदम होती है ना छुपी छुपी कहानियाँ लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं आपके लिए, निकल के पंजाब के थोड़े और जायके दिखा रहे हैं लोगों को, कहानियाँ सुना रहे हैं। बाकी आप बाकी जाके इनके चैनल पे देख सकते हैं। और अभी हमारे ये थोड़े से हेल्पर बने हुए हैं, हेल्पर कैसे मतलब कि लुधियाना का खाना जो है ना डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रखा है इतना, तो हमें लुधियाना का खाना डॉक्यूमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। इस वीडियो में बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट खाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। बहुत बकबक करते हो यार। तो ये लुधियाना का चौड़ा बाजार है बेसिकली। चौड़ा बाजार, अच्छा जहाँ पे वो, अच्छा चौड़ा बाजार है, आया था मैं। हाँ, अपना पराठे खाने पंडित जी के। हाँ, पंडित जी के पराठे यहाँ पे है। ऑल ऑफ द वेरी पॉपुलर प्लेसेस जो अभी बाहर भी निकल चुके हैं, स्टार्टेड फ्रॉम हियर। एग्जैक्टली, दे स्टार्टेड हियर। पहली जगह पे आ गए हैं झंडू पूरी, और सुनने में आया है कि ये पूरी की बड़ी ठंड है यार, मतलब क्या नाम है ये झंडू पूरी? झंडू पूरी, द बेस्ट प्लेस टू हैव द मोस्ट यूनिक पूरी एवर, लाइक दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये पता बड़ा ही मतलब कंट्रोवर्शियल नाम है। कंट्रोवर्शियल कैसे, मतलब ये पूरी बहुत अच्छी है हाँ, पर झंडू है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। दिस इज़ अपना पूरी। तो इनका पूरी का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, इन्होंने कच्ची पक्की पूरी मतलब फर्स्ट फ्राई करके रखी होती है, एंड देन व्हेन यू ऑर्डर तो मतलब सेकंड फ्राई करके एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाती है। एंड 35 rupees इसका प्राइस है, आई गेस 35 for 1 puri, 75 for 2 puris, अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट हैरी सेइंग कि एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो चीज़ है मतलब एकदम ब्राउन ब्राउन, ये छोले नहीं है, ये कद्दू है, घिया घिया है। ये लौकी का अचार है, ये लौकी का अचार है, एंड इसके साथ ये चटनी जो है ये इमली की चटनी है, एंड देन ये आलू है, ये आलू है, आलू के अंदर भी कद्दू डाला हुआ है। तो अगर ये और ये होता तो ये 35 rupees प्लेट होता हाँ। अब क्योंकि ये आ गया तो और ये 70 rupees का हो गया। नहीं, ये भी मिल जाता है हाँ। लौकी मतलब जो छोले जैसे दिखने में है हाँ। टेस्ट में कैसी होगी आके देखते हैं हाँ। चेकड़े आओ, सब्जी एकदम गिरने को हो रही है हाँ। कैसे सब्जी को बिना गिराए बाइट लेते हैं, बचा लिया भाई, भाईचारे में स्कूटी का कवर बचा लिया। गाड़ी गाड़ी आलू की सब्जी है, करारी करारी पूरी, पूरी थोड़ी थी ना हैवी, लाइक अ थिक पूरी, मतलब एक पूरी खा के आपका पेट भर जाएगा, ऐसे मज़ेदार गाढ़े गाढ़े आलू हैं। पर हम लोग आलू के लिए नहीं आए हैं, हम आए कद्दू, कद्दू बोल ही जा रहा हूँ मैं, लौकी के लिए, जैसे होता ना अपना टाइप। हल्की हल्की मिठास है, हल्की हल्की मिठास है, और जो दिखता है वो है ही नहीं, मेरे को अभी भी लग रहा है वो छोले हैं, और जो उसकी खटास और जो मिठास है और जो मज़ा है ना, कह रहा हूँ ना इसमें वो बात है। सूजी का हलवा है, टिपिकल देसी। ये बहुत ही कमाल का है, ये मतलब मेरे को तो पूरी से ज़्यादा अच्छा ये हलवा लगा। अब जाते हैं किसी और जगह पे खाने कुछ और। We'll be right back.
अभी हम लोग आए अपनी अगली जगह पे जो है दिलीपा पूरी। ये सिलसिला चलता रहेगा, पूरी लस्सी, पूरी, छोले भटूरे, मीठा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी नहीं पंजाबियों की टिट बड़ी होती है, मतलब खाने से भी जिंदा है भैया। टिपिकल मेरे को लग रहा है चांदनी चौक में, टिपिकल चांदनी चौक 1936। हाँ मस्त एकदम। ये पूड़ी जो है फ़र्क मिटा रही है भटूरे का, मतलब कुछ कुछ जगहों पे भटूरा इस साइज का होता है exactly. और दिखता भी ऐसा ही है। आंखों के साथ धोखा हो रहा है यहाँ पे, अच्छी बात नहीं है, धोखा खाना पहियों पे। But this is amazing यार, मतलब I love the flavor of this. इसके बाद एक और जगह है, that place is not as popular, but उसका best part ये, उसका flavor बहुत अच्छा। अच्छा जी, मतलब popular इतना ज़्यादा नहीं है, taste बहुत अच्छा। क्या रहता है, popular, non famous, tasty, सब cover करेंगे as long as it's veg. Okay जी, let's start eating. तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे होता है ना कि भाई गूगल बाबा ना फेल हो जाते हैं, गूगल माता फेल हो जाती है, गूगल माता आगे 10 मीटर आगे आगे लेके जाते हैं। हमारे साथ अगर हैरी भाई नहीं होते अभी तो हम लोग वहाँ जाके बोलते हैं यार दिलीपा पूरी खाए, वो बोलते हैं आप पीछे आगे जी इधर, मैं तो पत्ते हो जाते अगर इतना चल लेते तो, समझ रहे हो ना। तो गूगल माता पर इतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बालीगंज चौक है, बालीगंज चौक पे उधर वो देख लो दीवार, मतलब एकदम चांदनी चौक ही है भाई, मतलब चांदनी चौक आया तो यही है, मतलब ये वो चांदनी चौक ये है, ये वो है। छोले जी, छोले देखने में ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगते, बड़े माइल्ड से हैं। और ये छोले नहीं, इसे पिंडी चना कहते हैं बेसिकली, छोटे छोटे वाले पूरी के साथ खाते हैं। यहाँ पे मतलब प्याज बचा लूँ, प्याज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब अपना बेसिकली क्या है, जैसे हमने कुछ वीडियो पहले जब मैंने आपको पंजाबी ब्रेकफास्ट दिखाया था उसमें अपना छोले भटूरे था, नान थे, लस्सी थी, वो सब प्योर पंजाबी थिंग। बट मैंने पंजाबी स्टार्ट डिस्कवरिंग फूड लाइक हैरी इज, वो पूरी पे आ जाता है और वो जगह जगह के मतलब खाने निकालता है। तो आज हम लोग प्योर पंजाबी खाना खा रहे हैं, एकदम ना जैसे कहते हैं छुपे छुपा छुपा कहते हैं, छुपी जगहों से निकल निकल के खा रहे हैं। जैसे लाइक ये वाला, मतलब मैंने उसकी बाइट खाई थी झंडू की पूरी ना, मतलब टॉप सीक्रेट है किसको बताना भाई, दिलीपा की पूरी ने झंडू की झंडू कर दी, वो भी अच्छे है। उसका जाके हलवा खा लो, इधर की पूरी चुपचाप, आस पास में कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने, पंजाबी भाई गुस्से वाले भी बहुत होते हैं, चुपचाप मैं खाता हूँ, चुपचाप से आपसे मिलता हूँ। अच्छा यहाँ पे लस्सी भी मिलती है, चुपचाप से लस्सी ट्राई कर लीजिए आप, निकलो अभी थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है, जीरो बॉस पकड़ो लस्सी, लस्सी आप लस्सी देख के मेरे विचार बदल जाते हैं। सेम, लस्सी का ग्लास लो तो पूरा लो वरना घर जाओ, समझ रहे हो। तो अभी मतलब अभी क्या है, सीन ऐसा हो रखा है, आप माहौल देख रहे हो, हैरी बन रहा है हेल्दी, आज हैरी जो है ना ऑब्जर्वर है वो ऑफ कैमरा, आज ऑफ कैमरा हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि अभी मैं खा रहा हूँ और हैरी देख रहा है, बट लस्सी देख के इसका भी मन पिघल गया, सबका पिघलता है भाई। लेट्स सी, चीयर्स। मतलब थोड़ी सी दही में खटास भी है, वो चाहिए इसके इसके लिए चाहिए, मतलब वॉट एवर हैपेंस ये जरूर पीता हूँ, चाहे जिम जाके आया हूँ। लस्सी ऐसी चीज़ है जो आप पी लो तो आपको नींद आ जाएगी, आपकी बॉडी शांत हो जाएगी, आप ना पियो तो आपको पाप चढ़ेगा। एग्जैक्टली, thank you.
दो टाइप के भटूरे होते हैं, बड़े सिंपल दो टाइप का भटूरे, एक भटूरे खा के जिससे पेट एकदम फूल जाता है, मतलब वो क्या क्या वर्ड होता है, वो आफड़ जाता है। तो एक वो होता है और दूसरा होता है ये वाले एकदम हल्के हल्के से लाइट, ये दो प्लेट खा लो ना आपको पता नहीं लगेगा कहाँ गया भटूरा, क्योंकि ये जो होता है ना तवे पे सिका होता है और ये पहले का बना होता है, और इसको फिर जब देते हैं सर्व करते हैं तो ये और करारा हो जाता है, तो उससे क्या होता है जिसना इसका सारा जो तेल वगैरह होता है ना जो सारा वो होता है वो सब निकल जाता है, तो ये एकदम लाइट लाइट सा रहता है। तो फिर मस्त गाढ़े गाढ़े छोले अदरक डाल के और एकदम आलू अलग फ्राई करते हैं, गंज की याद आई, नहीं इनका अलग ही क्या है। हाँ मैं इट नॉट कंपेयर लुधियाना में लुधियाना कंपेयर करो दिल्ली में दिल्ली, तो ये मैंने आपको दिखाए थे मॉडल टाउन में, मॉडल टाउन में गणपति के छोले भटूरे लगा थे, भटूरे भटूरे तो कंपेयर नहीं कर सकते बट छोले छोले में तो भाई क्रेजी मसाला क्रेजी, ऐसा है ना एकदम खड़े मसाले एकदम जीप पे जाके ही पता चलता है जी छोले भटूरे खाए। यार एक बाइट तो मैं भी लूँगा यार, बहुत मन कर रहा है मेरा ये खाने का, द वे यू आर ईटिंग इट भाई। एक मिनट मैं थोड़े से आलू और लगा लूँगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे वही दिल्ली वाली चीज़ ज़्यादा चाहिए। वही है ना आलू भी एक्स्ट्रा है छोले भी एक्स्ट्रा है। एंड ये आ गया जी प्याज थोड़ा सा, ये मैंने डेकोरेट करने की कोशिश तो करी है जी। हरी जी कैसे हैं, गुड और इनका अचार जो है एकदम, अभी बात ही हम कर रहे थे ये इनका अचार बिल्कुल ही ऑयल फ्री है एकदम सूखा सूखा और मसाले इसके बहुत बढ़िया है। तो भाई मतलब हम लोग आने वाले थे यहाँ पे जम्मू पूरी पे, बट अब ये कहते हैं ना कि मतलब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो लुधियाना में आए हैं तो हमें बोला गया है, हमें ऊपर से बोला गया है कि लुधियाना का खाना खाइए, जम्मू का जब नंबर आएगा तब जम्मू का खाना खाएंगे, तो जम्मू की पूरी जम्मू में जाके खाएंगे, फिलहाल लुधियाना पे फोकस करेंगे, तभी दुकान भी बंद होगी हमारे आते आते तक। अब बहुत सारा खाना तो हो ही गया यार इस वीडियो में, पेट तो वैसे ही पूरा भर चुका है, ठीक है मतलब हैरी का तो पता नहीं शायद ना भरा हो, नहीं भरा, पर मेरा ज़्यादा भर चुका है, तो मेरा गिवअप हो गया, बहुत खाना खा लिया इस वीडियो में। असली में बताओ मैंने इतना खाया भी नहीं है ना। हाँ हाँ टू मेक यू, हाँ तो मैंने ही तो खाया है, तू तो बस देख ही रहा था। अच्छा ऐसे खाना खाते हैं, अच्छा बड़ा साउसा बन रहा था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, मतलब क्या बढ़िया। एक बहुत स्पेशल चाय पिलाता हूँ भाई। अच्छा चाय, केसर चाय पीते हैं, थोड़ा पेट अपनी टिड्डी जो है दोबारा खाली करते हैं अगली वीडियो के लिए। आप लोग पहुँचो अगली वीडियो में, हम तो पहुँच ही चुके हैं जी। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप इंजॉइंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन। बाय बाय नाउ।